तो फ्रेंड्स, मैं अभी रास्ते से चल रहा था तो मुझे यहाँ पर एक जगह मिली है जो जगह काफ़ी फेमस है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो जगह क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको ये जगह आखिर में है क्या। पहले ये जगह काफ़ी वीरान थी, इसका कुछ भी उद्धार नहीं किया गया था, लेकिन अब ये जगह काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप जैसे कि मेरे सामने ये देख रहे होंगे शहीद स्मारक, और बीच में ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की तस्वीर है। यहाँ कभी आए थे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी ये प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप लोगों को जैसे मालूम ही होगा। और ये पूरा एरिया है, और आप लोगों को मैं एक जो यहाँ की जो फेमस चीज़ है जिस वजह से ये स्थल बनाया गया है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल यहाँ पे बना दिया गया है। ये समाधि बनाई गई है, ये दोस्तों ये समाधि है क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की, चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी उनसे मिलने जब वो वहाँ से आए थे तो भाग के यहीं आए थे, और भवानी सिंह रावत जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों ये पेड़ है जिसमें, ये पेड़ क्या कहूँ मैं, सरकार की लापरवाही या फिर क्या, ये पेड़ अभी कुछ साल पहले तक काफ़ी अच्छा था, और दिनों जब इसकी केयर नहीं हुई इस पेड़ की तो ये पेड़ सूख गया। तो अभी इस पेड़ का कुछ अंश बाकी रह गया है जो कि आप देख रहे होंगे इस चबूतरे में इन्होंने ये गाड़ा हुआ है निशाने के तौर पर, ताकि इसका कुछ भाग बचा रहे। तो दोस्तों ये पेड़ है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी गोलियाँ चलाई थी, प्रशिक्षण किया था अपना, इसी पेड़ पे गोली के निशान भी हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहे हैं या नहीं है, ये देखिए दोस्तों ये कारतूस के निशान हैं। तो दोस्तों ये जगह काफ़ी अच्छी है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे। आगे मैंने कुछ देखा है तो मैं सोचा कि आप लोगों को चल के बता दूँ इस जगह के बारे में, कुछ यहाँ पे कहानियाँ होंगी। आप देख सकते हैं ये पूरी कहानी लिखी हुई है, मैं आप लोगों को अभी पढ़ के बताने वाला हूँ कि आखिर है क्या यहाँ की पूरी कहानी। दोस्तों आप जैसे देख रहे होंगे क्रांतिकारी दल के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से 6 जुलाई 1930 को चंद्रशेखर आज़ाद, भवानी सिंह रावत, काशीराम, धनवंतरी, विद्याभूषण और विशंबर दयाल के साथ गड़ौदिया स्टोर चांदनी चौक दिल्ली डकैती अभियान में भाग लिया। इन दिनों पुलिस की सक्रियता बढ़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहाँ वे अपने युवा साथियों को बंदूक और पिस्तौल से सही निशाने लगाने का अभ्यास करा सकें। भवानी सिंह रावत ने बताया कि उनका गांव नाथूपुर गढ़वाल जिले में दुवड्डा नगर के पास घने जंगल के पास स्थित है, और वहां निरापद ढंग से हथियार चलाने का अभ्यास किया जा सकता है। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने भवानी सिंह रावत का निमंत्रण स्वीकार कर सन 1930 के जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में रात्रि को नाथूपुर के लिए रवाना हुए। दोस्तों नाथूपुर के पास के जंगलों में आज़ाद ने अपने साथियों को निशानेबाजी का अभ्यास करवाया था। तो दोस्तों ये वही जगह है जहां उन्होंने अभ्यास करवाया था, और जो पेड़ मैंने आपको दिखाया उसी पेड़ पे वो निशाना साधा करते थे। तो दोस्तों रास्ते में विश्वंभर दयाल तथा अन्य साथियों के आग्रह पर आज़ाद ने खड़े पेड़ के एक पत्ते पर निशाना लगाया। नाथूपुर से दिल्ली वापस जाते समय महान क्रांतिकारी विश्वंभर दयाल ने आगरा पर जिस पेड़ पर अपनी पिस्तौल के अचूक निशाना लगाया था उस पेड़ का अवशेष आज भी मौजूद है, जो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद, भवानी सिंह रावत एवं अन्य क्रांतिकारियों के योगदान के सम्मान में दिनांक 27 फरवरी 2019 को चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस पर जीर्णोद्धार कर राज्य का समर्पित किया गया। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को ये करीब से फ़ोटो दिखा रहा हूँ कुछ। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ पेड़ की फ़ोटो है, ये देखिए, ये जो नीचे फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये भवानी सिंह रावत जी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वही पेड़ है जिस टाइम पे वो जीवित था, बट लापरवाही कहेंगे सरकार की, जो उन्होंने इस पेड़ का ख्याल नहीं रखा, और जिस वजह से वो पेड़ आज सूख चुका है। और जब सूख चुका है तो उसके अवशेष आपने सामने देखा होगा, यहाँ पर उन्होंने गाड़ रखा है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे गढ़वाल में आए और उन्होंने यहाँ आकर
अपने साथियों को प्रशिक्षण दिया। दोस्तों काफ़ी फेमस जगह है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ आए और यहाँ आकर देखें, आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा।